नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरों की अपडेट, आंगनवाड़ी की तमाम खबरों की अपडेट और मौसम विभाग से जुड़ी लेटेस्ट खबरों की अपडेट और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित सभी जानकारियों की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज हो चुके हैं 11 मई 2019। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के दैनिक समाचार की अपडेट के माध्यम से आपको मिलने वाली है आज से जुड़ी आंगनवाड़ी की 10 आंगनवाड़ी की बेहतरीन खबरों की अपडेट, जिसमें दोस्तों आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी कि भविष्य निधि से मिलेगा लाभ सभी आंगनवाड़ी कर्मियों को और 3,000 रुपये व 6,000 रुपये की पेंशन मिलेगी अब पक्की। यानी दोस्तों, ये पेंशन भविष्य निधि कार्यालय द्वारा इन आंगनवाड़ी कर्मचारी को दी जाती है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लीजिए पूरी आज की 10 आंगनवाड़ी की बेहतरीन खबरों की अपडेट, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली खबर आप देख सकते हो, जागरण ऑनलाइन न्यूज़पेपर बिहार से है। ये बिहार से लेटेस्ट खबर है कि योगी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मिलेगा भविष्य निधि का लाभ। तो दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में लिखा गया था कि योगी आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मिलेगा भविष्य निधि का लाभ। यानी दोस्तों, अब उच्च न्यायालय के आदेश पर अब सभी आंगनवाड़ी योगी आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को अन्य कर्मचारियों की भांति कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिलना लगभग तय माना जा रहा है। यानी दोस्तों, जो रिटायरमेंट के बाद आदि अनेक कर्मचारी होते हैं उनको भविष्य निधि कार्यालय द्वारा जो उनको लाभ दिया जाता है पेंशन का, वो अब ये लाभ इन आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को भी मिल सकता है। इसके लिए ICDS के निदेशक ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पत्र प्रेषित कर संबंधित सेविका सहायिकाओं की आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी कर दिए गए। तो दोस्तों, देख सकते हो कि आदेश भी जारी कर दिए गए और बताया गया कि ICDS निदेशक ने अपने पत्रांक 25/19 दिनांक 9 मई 2019 में बताया कि उच्च न्यायालय पटना द्वारा जनहित में वाद CWC JC संख्या 17232 शंभुचरण सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य मामले में इसी वाद से अद्भुत MJC संख्या दे रखी। आप देख सकते हो, मैं उच्च न्यायालय में विभिन्न तिथियों पर हुई जन सुनवाई में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था कि विभिन्न विभागों में कार्यरत सुयोग्य कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण अधिनियम 1952 के प्रावधानों का लाभ दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, देख सकते हो कि आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को दिया जाएगा भविष्य निधि कार्यालय द्वारा अन्य लाभ। और 10 अप्रैल 2019 को पारित न्यायाधीश में शोक व्यक्त करते हुए अतिरिक्त कारण प्रचार दायर करने का निर्देश भी जारी किया गया है। उक्त पत्र में निर्देशक ने सभी बाल विकास परियोजना आदि का पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि संविदा पर बाल सेविका और सहायिकाओं का पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता और ज्वाइनिंग तिथि सहित 11 कागजातों की छाया प्रति अविलंब कराया जाए। यानी दोस्तों, अब इनको दिया जाएगा लाभ। इसके लिए उन्होंने प्रमुख डॉक्यूमेंट इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों से मांगे हैं, जिसमें कि ID, बैंक अकाउंट नंबर, ज्वाइनिंग लेटर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रमुख ये छाया प्रति अविलंब कराया जाए। यानी कि कागजात इनके द्वारा लिए जाएंगे। और नेक्स्ट खबर आप देख सकते हो, जागरण से, ये उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं। आंगनवाड़ी केंद्र पर 26 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। दोस्तों, 10 मई 2019 के न्यूज है, लेकिन फ्रेंड्स आपको बताना हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य बनता है, क्योंकि दोस्तों हमारा चैनल आंगनवाड़ी की तमाम खबरों की अपडेट आपको पल पल में पहुँचाता रहता है। जहानागंज विकास खंड के आंगनवाड़ी केंद्र कनेला पर शुक्रवार को RBS के जहानगंज की बी टीम द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के कुल 26 बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र प्रथम के 10 बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ और इसमें एक बच्चे को कान बहने की शिकायत पर उसे निःशुल्क इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए सलाह भी दी गई है। आंगनवाड़ी केंद्र द्वितीय पर 16 बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, इसमें सभी बच्चे स्वस्थ मिले। तो दोस्तों, आप देखते हो कि स्वस्थ टीम के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य का किया जा रहा है परीक्षण, और जो इनके स्वास्थ्य के ज़्यादा अस्वस्थ मिलते हैं उनको दिया जा रहा है निःशुल्क इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए सलाह भी दी जा रही है। और नेक्स्ट खबर आप देख सकते हो, आंगनवाड़ी केंद्र को बेहतर बनाने में मदद कर रही है फेरेरो इंडिया। ये दोस्तों न्यूज़ आप देख 10 मई की है और नई दिल्ली। चॉकलेट बनाने वाली कंपनी फेरेरो इंडिया अपनी CSR गतिविधियों के तहत भारत में बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने और पोषण युक्त बचपन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने में मदद भी कर रही हैं। कंपनी ने इसी दिशा में कदम उठाते हुए कई आंगनवाड़ी केंद्रों में ढांचागत सुविधाएं बनाने का काम भी किया है। तो दोस्तों, देख सकते हो, ये कंपनी द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए किया जा रहा है ढांचागत सुविधाएं बनाने का काम। फेरेरो इंडिया ने प्रबंधक निदेशक स्टेफनो फेले ने
भारत में कंपनी की CSR गतिविधियों के बारे में जानकारी ली और उन्होंने कहा कि कंपनी बच्चों को स्वस्थ बचपन और पोषण सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी केंद्रों में ढांचागत सुविधाएं और कौशल प्रशिक्षण मुहैया करा रही है। इसके अलावा बच्चों में खेलों के प्रति रुचि जगाने के लिए कंपनी के किंडर स्पोर्ट्स कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। और नेक्स्ट खबर आप देख सकते हो, जागरण से ही, हरियाणा जिले से है। आंगनवाड़ी केंद्र पर महिलाओं को पोषण संबंधी दी जाएंगी जानकारी। सैनी मोहल्ला और मोरपत्ती के आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यक्रम आयोजित किया गया। ICDS में कार्यरत सुमन सुपरवाइजर की अध्यक्षता में यह पोषण अभियान का आयोजन किया गया है। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों और महिलाओं ने भाग लिया और सुपरवाइजर सुमन ने बताया कि अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दें और खाना खाते व बनाते समय साफ सफाई का ध्यान रखें। प्रमुख बातें इस अभियान यानी कि कार्यक्रम में इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दी गई है और इस मौके पर अनेक महिलाएं भी मौजूद थी और आंगनवाड़ी सेविका व सहायिकाएं भी मौजूद थी, जिसमें पुष्पा, बबीता, रीना, सुनीता आदि अनेक कर्मचारी गांव की महिलाएं इस आयोजन में शामिल थी। और नेक्स्ट न्यूज़ आप देखिए तो 29 आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन मालिकों को नहीं मिला 17 माह का किराया, सहायिका ने बताया समस्या। तो दोस्तों देखिए तो एक तरफ आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए आ रही है खुशखबरी और दूसरी तरफ आंगनवाड़ी भवनों के मालिकों को नहीं मिल रहा है 17 माह का किराया। लगभग 1.5 साल का किराया आंगनवाड़ी मालिकों को नहीं मिल रहा है। शहर में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के बाद आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने विभाग के संयुक्त संचालक के सामने आंगनवाड़ी भवन का 17 माह का किराया नहीं मिलने की समस्या रखी है। परियोजना अधिकारी की जिला अधिकारी से फ़ोन पर बात करवाने पर अनुबंध सही तरीके से नहीं बना होने से भुगतान लंबित होने की बात सामने आई है। तब संयुक्त संचालक ने परियोजना अधिकारी को 1 सप्ताह में अनुबंध ठीक करने के जिले में भेजने की बात कही है। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस ने शहर के वार्ड 7 व 8 में समर्थ संगिनी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और इस कार्यक्रम के बाद आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 7 की सहायिकाओं ने संयुक्त संचालन राजेश मेहरा से कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं, वहीं भवन के मालिकों को किराया नहीं मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी आंगनवाड़ी कर्मचारियों के आंगनवाड़ी केंद्रों के किराए के भवनों का जो किराया होता है वो मालिकों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। ये प्रमुख आश्वासन इन आंगनवाड़ी कर्मचारियों को दिया गया है। और नेक्स्ट खबर आप देख सकते हो, दैनिक भास्कर ऑनलाइन न्यूज़ पे उसी के माध्यम से मैं मिली है कि कलेक्टर ने आंगनवाड़ी के बच्चों को खिलाया हलवा। ये दोस्तों न्यूज़ राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से है कि डॉक्टर SP सिंह ने जिले में अपनी पोषण मुहिम को जारी रखते हुए गुरुवार को जीरापुर आंगनवाड़ी में बच्चों को हलवा खिलाया। आंगनवाड़ी के बच्चों ने चाव से हलवा खाया और वहीं कलेक्टर ने बच्चों से बातें भी की। कलेक्टर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से आंगनवाड़ी में कुल नामांकित बच्चों की जानकारी भी ली है। और नेक्स्ट खबर आप देख सकते हो कि पक्षियों के लिए हर आंगनवाड़ी केंद्र पर रखा जाएगा दाना पानी, कार्यकर्ता ग्रामीणों को भी कर रही है प्रेरित। ये दोस्तों न्यूज़ आप देख सकते हो, बिश्नूर सेक्टर के आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्मी में पक्षियों के लिए दाना व पानी की व्यवस्था की गई है। इसमें गर्मियों में पक्षियों को आसानी से पानी और दाना मिल सके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ग्रामीणों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित भी कर रही है। और नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हो कि 58 लाख से सवरेगी 29 आंगनवाड़ी केंद्रों की सूरत। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी खबर है, पूर्णिया जिले से हैं कि जिले की 29 आंगनवाड़ी को बच्चों की सुविधाओं के हिसाब से ECCE मॉडल के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा और आंगनवाड़ी के मॉडल बनाने के लिए सभी चयनित परियोजनाओं को 2-2 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएंगी। यानी कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडल बनाने के लिए अब आंगनवाड़ी केंद्र को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपये सरकार के द्वारा और जल्द ही विभागीय निर्देशन और सभी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी को अपडेशन करने का काम भी शुरू हो जाएगा। जिला प्रोग्राम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पुण्य ग्रामीण परियोजना में 2 कस्बा में 2, डगरुआ में 2 और जलालगढ़ में 2 ये प्रमुख दे रखे हैं। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है, जिसको अब यह मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। ICDS की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी शोभा सिन्हा ने बताया कि इस निदेशालय के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 साल के नामांकित बच्चों के विकास के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को ECCE पाठ्यक्रम के तहत बनाया जाएगा। इसके तहत सभी आंगनवाड़ी परियोजनाओं को चिन्हित आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वहाँ शौचालय की सुविधा, पेयजल, आंगनवाड़ी केंद्र का जीर्णोद्वार इस तरह से किया जाएगा जो चाइल्ड फ्रेंडली हो सके। और उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी परियोजनाओं में CDPO के माध्यम से वैसे केंद्रों का चयन किया गया है जिस केंद्र का नाम भवन को केंद्र में चापकल, शौचालय की व्यवस्था और अन्य केंद्र इस जगह स्थित होंगे जहां लोग आसानी से पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों में
बदलने के लिए 58 लाख से संवरने की 29 आंगनबाड़ी केंद्रों की सूरत और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए की राशि, जिससे मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का विकसित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आज के आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी दैनिक समाचार की अपडेट के माध्यम से 10 आंगनबाड़ी की लेटेस्ट खबरों की अपडेट थी, उसी वीडियो के माध्यम से आपको मिली होगी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भविष्य निधि से मिलने वाला लाभ इन कर्मियों के लिए सहायतापूर्ण, यानी कि इनके लिए मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसकी पूरी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको तमाम आंगनवाड़ी से जुड़ी खबरों की अपडेट पल पल के माध्यम से आपको मिलती रहती है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अंत में फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती टाइम निकाला। भगवान करे आपका दिन बहुत ही बहुत शुभ हो। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।